हरविंदर जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? जी सर, पूछे अपना सवाल। हाँ जी, मेरे पास कहना था उसका जो है HDFC बैंक का जी बैंक का शेयर है 1000। किस भाव पर आपने लिए हैं? हाँ जी, ये 10 रुपए का है। 10 रुपए प्रति शेयर के भाव के? 100 शेयर से हमारे पास 1000 के 10 रुपए के हिसाब से, तो उसके जो है 1000 हो गए। सर ये बताइए कि टोटल अभी आपके पास डीमैट में कितने शेयर हैं? 1000 है। 1000 कॉस्ट उनकी क्या पड़ी आपको? 1 रुपए? 1 रुपए के हिसाब से। 1 रुपए? हाँ जी। ताजुब है, मतलब पहले 100 के फिर कम हो गया, 500 पर 500 के फिर 1000 हो गया। आपकी एज क्या है हरविंदर जी? हाँ जी। आपकी उम्र क्या होगी? उम्र हमारी क्या है? हमारे 70 ईयर है। 70 ईयर? हाँ जी। ठीक है, काफी पुरानी होल्डिंग है और कमाल की बात है कि HDFC बैंक 1 रुपए, मतलब यकीन ना हो, पहले तो शक यही जाए कि शायद कुछ हमसे गलती हो गई या फिर सामने वाले ने जब टाइप करके हमें मैसेज भेजा तो उससे कुछ गलती हो गई, लेकिन गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही प्राइस आप देख रहे हैं, इसी प्राइस पर इनको मिले हैं और 16,32,100 रुपए का प्रॉफिट इन 1000 शेयरों पर हो रहा है हरविंदर जी को। इनकी एज है 70 साल की। पहले तो आपको हरविंदर जी बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी। बाजार में ऐसे कोहिनूर तलाशना और उसमें निवेशित रहना, समय देना, ये धैर्य की परीक्षा भी करता है बाजार, और आप उसमें न सिर्फ सफल रहे बल्कि पूरे कहते हैं ना कि डिस्टिंक्शन लेकर आप पास हुए हैं। विवेक आप जरा राय दीजिए, अब तो 1 रुपए का भाव है तो आप बड़ा मुश्किल रहता है ऐसे में राय देना भी, लेकिन फिर भी आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं अभिषेक, राय देना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा इसमें। इसमें देखिए, अगर ये एक यंग इन्वेस्टर होते तो मैं बोलता कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, लॉन्ग टर्म के लिए वेट करो और ये जाएगा आपको 1800 भी वापस दिखाएगा और 2000 भी दिखाएगा आफ्टर जो मर्जर होने का है। अब इनको तो मैं ये सलाह दूंगा कि 70 साल के आप हो गए, आपको मैं लॉन्ग टर्म की सलाह दे नहीं सकता। ये नहीं बोल सकता कि अगले 10 साल रखो, 20 साल रखो। और ऐसा कि अगर आपको इन शेयर्स की जरूरत नहीं है, इस पैसे को बचा के रखने की जरूरत नहीं है, तो एटलीस्ट लाइफ एंजॉय करो। कहीं ना कहीं जैसे भी पड़ता है उस टाइम प्रॉफिट बुक करो और कहीं ना कहीं घूमने जाओ, एंजॉय करो लाइफ इस उम्र में। तो लॉन्ग टर्म की तो सलाह मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, कंपनी अच्छी है, यंग इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं। ये है कि सर देखिए, बैंक में इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और दिग्गज है, अपने सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। अगर हम निजी बैंकों की बात करें तो सब कुछ ठीक है, अब आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपकी इच्छा क्या है। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर लीजिए, आप चाहते हैं इसको बेचना तो वो भी आप कर सकते हैं, लिक्विडेट करके आपकी जो जरूरतें हैं आप उसको पूरा कर लीजिए, या फिर जो आपकी मर्जी है वो कर लीजिए, लेकिन निश्चित तौर पर भविष्य को लेकर बैंक की कोई दिक्कत नहीं है और यहां से भी ग्रोथ की काफी ज्यादा पोटेंशियल इसमें निश्चित तौर पर है। आगे बढ़ेंगे सूरत से।